नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल संगीताज कॉर्नर में। तो आज मैं लेके आई हूँ गुजरात की फेमस खमन ढोकले की रेसिपी फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम तेल और मसालों का यूज़ होता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसे देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट, जालीदार और स्पॉन्जी बना है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार रेसिपी। खमन ढोकला बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप बेसन। ये नॉर्मल बेसन है जिससे हम लोग कढ़ी या पकौड़े बनाते हैं घर में अक्सर। इसको एक छन्नी में डाल के हम लोग अच्छे से छान लेंगे। कभी भी ढोकला बनाए तो उसके लिए बेसन हमेशा छान के ही ले। छानने से बेसन बहुत फाइन हो जाता है और इसका बैटर जो है वो बहुत स्मूथ बनता है, लम्स फ्री बनता है, गुठली फ्री बनता है। तो इस तरह करके सारे बेसन को छान लेंगे। तो यहाँ देखिए बेसन छन गया है। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे बिल्कुल 2 चुटकी जैसा हल्दी। हल्दी बहुत ही कम यूज करना है फ्रेंड्स, 1/4 चम्मच हल्दी 1 कप बेसन में, बिल्कुल 2 चुटकी। आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद डालेंगे इसमें 1 चम्मच चीनी, यदि पिसी हुई चीनी है तो वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे इसका मेन इन्ग्रीडियंट सिट्रिक एसिड। ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, बाज़ार का जो भी ढोकला होता है मार्केट में उसमें सिट्रिक एसिड जरूर यूज होता है, और ये बहुत ही ईजिली किसी भी किराने स्टोर में आपको मिल जाएगा। सिर्फ 20 से 25 रुपये में आ जाता है ये। यदि ये नहीं है तो आप नींबू का रस इसके जगह डाल सकते हैं, इसको नींबू का सत भी बोला जाता है। तो ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच, और इसी के कारण बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही जालीदार बनता है ढोकला। तो इसे ज़रूर यूज करें, इसे ज़रूर डालें ढोकले में। उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ मैंने 1 कप बेसन में 1 कप पानी लिया है, और ये पूरा पानी इसमें लग जाएगा। लेकिन शुरू में नहीं डालें, शुरू में थोड़ा सा डालें, और इसको मिलाते हुए फिर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसका फाइन बैटर तैयार कर लेंगे। यदि स्टार्टिंग में आप सारा पानी डाल दोगे तो काफ़ी सारा गुठली बन जाएगा बेसन में, जो कि उसको फिर गुठली फ्री करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले शुरू में थोड़ा सा पानी डालें, फिर उसको अच्छे से पेस्ट बना लें, फिर पानी डालें तो वो जल्दी घुल जाता है। तो इस तरह करके सारा पानी डाल के मैं यहाँ पे बैटर बना लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा पानी बचा है वो भी डाल लेते हैं। तो 1 कप बेसन में 1 कप पानी पूरा लग जाएगा। 1-2 चम्मच ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन कम नहीं लगेगा। और इसका जो कंसिस्टेंसी है इस बैटर का, वो मैं दिखाती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि इसका कंसिस्टेंसी सेम इसी तरह रखिएगा, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं, इससे ज़्यादा पतला नहीं रखना है। और ये बेसन के घोल को बनाने के बाद इसको ढक के कम 1/2 घंटा रेस्ट के लिए ज़रूर छोड़ेंगे, ताकि बेसन जो है अच्छे से सेट हो जाए, फूल जाए। 1/2 घंटे के बाद हम लोग चेक करते हैं, तो ये बेसन जो है अच्छा फूल गया है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, इससे जो हमने सिट्रिक एसिड डाला है उसके ऊपर ये बेकिंग सोडा डालने से दोनों रिएक्ट होता है और काफ़ी फ्लफी बनता है ये बैटर। इसके बाद यहाँ डालेंगे 1 छोटा चम्मच पानी, और इसको हाथों से फेंट लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से फेंट सकते हैं, बट मैं हाथों से कर रही हूँ इससे, क्योंकि बहुत ही हल्के हाथों से करना होता है। सोडा डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है, ना ही बहुत स्पीड से मिलाना है। बस सोडा को जो है बहुत ही लाइटली इसमें मिक्स करना है, और मिक्स करते के साथ ही देखिए 2 से 3 सेकंड में ये कितना फ्लफी हो गया, फूल के कितना ज़्यादा हो गया ये बैटर। और इस तरह का फ्लफी आपका बैटर होना चाहिए, तभी आपका जो ढोकला है वो स्पॉन्जी होगा, वो जालीदार बनेगा। तो ये बहुत बड़ा टिप्स है फ्रेंड्स, यदि आपका बैटर इस तरीके का नहीं बना है तो फिर आपका ढोकला भी स्पॉन्जी नहीं होगा। फिर फटाफट जो है एक थाली ग्रीस कर लेंगे। मैं इस ढोकले को थाली में बना रही हूँ। जब किसी के, बहुत लोगों के पास ढोकला प्लेट नहीं होता है, स्टीमर नहीं होता है, तो वो सबके बगैर आप कैसे बना सकते हैं ये मैं बता रही हूँ। तो मैं सिंपली इसको एक गहरे वाले थाली में डाल लूँगी, थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लें, और फटाफट जब आप बैटर में सोडा मिला लेना, उसके बाद ये सारे प्रोसेस बहुत ही जल्दी करना है। सोडा डाला और बैटर को बहुत देर तक बाहर नहीं रखें, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाता है, मतलब स्पॉन्जी नहीं हो पाता है। अब चलते स्टीमर की तरफ। तो इधर देसी स्टीमर भी तैयार है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाला, उसके ऊपर ऐसा जाली स्टैंड रखा है। जाली स्टैंड ना हो तो एक कटोरी को उल्टा करके रख ले, उसके ऊपर से हम लोग जो है बैटर वाला प्लेट रख देंगे। तो जिसके पास स्टीमर है, ढोकला प्लेट है, या फिर इडली स्टैंड है, इडली कुकर है, तो उसमें भी बना सकते हैं। बट जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो आप आराम से इस तरह का ढोकला बना सकते हैं। तो इसको ढक के हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे फ्रेंड्स, लो फ्लेम पे। और यहाँ पे देखिए 15 मिनट लगभग हो गया था,
और इसको मैं ढक्कन हटा रही हूँ, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, यह सेट हो गया है। इसको एक चाकू के हेल्प से यहाँ पे देख लेंगे कि ये कच्चा है कि नहीं। चाकू बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, मतलब ये पक गया है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे, इसको नीचे उतार लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, तब तक इसके लिए हम लोग तड़का बना लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ढोकले के लिए। तो तड़का बनाने के लिए एक पैन लिया मैंने यहाँ पे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। मैं रिफाइंड ऑयल ले, सरसों तेल नहीं लेना है इसमें। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का दाना, मतलब सरसों। जब सरसों तड़क जाए ना, तब इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची ऐसे लंबे टुकड़ों में काट के डाल देंगे। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्ची डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी और इसी स्टेज पे डालेंगे कड़ी पत्ता, जो कि मैं भूल गई डालने के लिए और मैंने बाद में डाला है, लेकिन आप इसी समय डालिएगा तेल में। और जब ये चीज़ें अच्छे से भून जाए ना, तब इसमें डालेंगे 2 चम्मच जैसा सफ़ेद तिल। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो तिल को भून लेंगे तेल में, जब ये तिल सफ़ेद से थोड़ा ब्राउन होने लगे ना, गोल्डन, तब इसमें डाल देंगे। और देखिए तिल यहाँ पे ब्राउन होने लगा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप पानी। जी हाँ, ढोकले के लिए पानी बनाना है तड़का वाला, तो इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी का डालेंगे। ये पानी जो होता है ना, बहुत ही खट्टा मीठा तीखा फ्लेवर का होता है। और देखिए कड़ी पत्ता मैं अब डाल रही हूँ, अब भूल गई थी तो भूल गई, डालना तो ज़रूरी था। इसमें ऐसे भी इसका फ्लेवर आ जाएगा इस समय डालने से भी, तो मैंने डाल दिया कड़ी पत्ता। अब इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आने देंगे इस पानी में, ताकि सारी चीज़ें आपस में जो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए बॉयल हो गया है, 1 मिनट लगभग बॉयल कर लेंगे, ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ, अच्छे से बॉयल हो गया है पानी। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 से 2 बड़े चम्मच नींबू का रस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। मैं इस पानी को खट्टा मीठा तीखा सारा फ्लेवर देना चाहती थी, इसलिए मैंने नींबू का रस डाल लिया। अब इस ढोकले को जो है ना डिमोल्ड करेंगे, तो सबसे पहले जैसे हम लोग केक निकालते हैं ना, किनारे से अलग कर लेते हैं, वैसे करके निकालेंगे। आप चाहें थाली में बना रहे तो थाली में ही कट करके डायरेक्ट इसमें पानी, तड़के वाले पानी डाल सकते हैं और सर्व कर सकते हैं, बट मुझे आप लोगों को दिखाना है कि ये कितना सॉफ्ट और जालीदार बना है, तो मैं दूसरे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और ये देखिए, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जाली जो है कितनी स्पष्ट यहाँ से दिख रही है और कितनी सॉफ्ट है। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ और इसको हम लोग फ्लिप कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। और जो मार्केट में ढोकला बनता है ना फ्रेंड्स, वो ऊंची हाइट वाली होती है, उसके लिए जो अलग से ट्रे होती है उनके पास, चाहे घर पे भी यदि आपके पास बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे हो, या फिर केक टिन हो स्क्वायर में, या फिर सर्कल में थोड़ी गहरी वाली, तो आप उसमें ईजिली बना सकते हैं। उससे हाइट बहुत अच्छी आती है, उसका जो जालीदार दिखता है, स्पॉन्ज दिखता है, वो स्पष्ट पूरे बराबर से दिखता है। तो इसको आप मनचाहा शेप में काट ले, बड़े या छोटे, स्क्वायर या रेक्टेंगल, कोई भी शेप में। अब मैं दिखाती हूँ एक सामने से, कितना सॉफ्ट है देखिए, बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट है, बहुत ही स्पॉन्जी है जाली, आप इसका स्पष्ट देख रहे हो कि कितना अच्छा बना है। तो चलिए फटाफट इसमें अब तड़के वाली पानी डाल देते हैं। और जो ढोकला होता है ये पानी के बगैर अधूरा होता है, तो ये पानी के ज़रूर बनाएं, बहुत ही औसम सा, बहुत ही टेस्टी, बहुत स्पॉन्जी और जालीदार तो होता ही है फ्रेंड्स, ये बना ही है। लेकिन जब ये पानी डल जाता है ना, खट्टा मीठा तीखा वाला, तो इसका जो टेस्ट है वो मैं बता नहीं सकती हूँ। आप तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत 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 पसंद आएगा। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, उम्मीद करती हूँ आपके बच्चों को, आपको फैमिली को भी बहुत पसंद आए। ये पानी डालने के बाद 10 मिनट रेस्ट कराना है, उसके बाद सर्व करना है। और ये देखिए पानी डालने के बाद 10 मिनट के बाद ना, ये और सॉफ्ट हो गया, बहुत ही जूसी, बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही माउथ मेल्टिंग ये ढोकला बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। कोई मैटर नहीं करता है कि थोड़ा हाइट कम है या फिर छोटा बना है, सेप साइज से कोई मैटर नहीं करता है, टेस्ट होना चाहिए। तो ये जो ढोकला बना है ना, ये मार्केट वाले ढोकले से कई गुना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी और इजी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का रेसिपी अच्छा लगा होगा आपको। और यहाँ मैं डाल रही हूँ ग्रेटेड नारियल, ये कच्ची नारियल है जिसे मैं ग्रेट करके फ्रीजर में रख देती हूँ, जब भी यूज होता है तो मैं निकाल के यूज करती हूँ। तो इसके बगैर भी थोड़ी अधूरी लगती है ढोकला, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हो तो ज़रूर डालें। तो यहाँ रेडी है फ्रेंड्स हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली में खूब 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 सारा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।